निरीह लोगों का जिनका घर आवास कब्जा कर लिए थे, क्या वो अच्छा काम किए थे? आज क्यों रो रहे हैं? आज अपने बेटे के लिए रो रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। कल किसी की माँ के बेटे भी तो गोली लगी थी। गरीबों के बच्चों को घर से निकाल दिया, कब्जा कर लिया, सरकारी तंत्र को मारे, ये सब गलत काम नहीं हुआ? अतीक वगैरह उनके यहाँ कमांडिंग अफसर थे, आईजी और डीआईजी के ट्रांसफर कराते थे। इसलिए ऐसे अपराधियों को तोड़ने के लिए ये कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है, वरना ये हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, सब अपराधी ही राज करेंगे। इसलिए इन लोगों का, बिल्कुल अपराधियों का एनकाउंटर ही करना चाहिए, कोई मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये सब इतने सशक्त होते कि इनके खिलाफ कोई गवाही देने जाएगा ही नहीं। दरअसल हमारे यहाँ का कानून बहुत लचीला है, जिसका अपराधी इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं कि कानून मजबूर हो जाता है, सरकार मजबूर हो जाती है। स्वयं जांच होनी चाहिए, जो पाला वो भी अपराधी, वो कह रहे जात देख के इनकाउंटर नहीं, अखिलेश यादव की भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है और यह कचहरी है। आज उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम को मार गिराया गया है। यूपी एसटीएफ ने 5 लाख के इनामियों को मार गिराया है। तमाम अधिवक्ता हैं, उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अधिवक्ता क्या सोचते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवालिया निशान किया है, ट्वीट किया है कि भाजपाइयों को कानून पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर भटकाने के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है। ऐसे में तमाम लोग हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इनकाउंटर हुए अतीक अहमद के बेटे असद का और गुलाम का। इसमें कहने की क्या बात है, जो हुआ है वो सही हुआ है, और अगर इसका जो समर्थन कर रहा है उसकी भी जाँच होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कोई पार्टी का राजनेता समर्थन, स्वयं जांच होनी चाहिए, जो पाला वो भी अपराधी, वो कह रहे जात देख के इनकाउंटर नहीं, अखिलेश यादव की भी जांच होनी चाहिए ना था। इस तरह से अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है, गुलाम का इनकाउंटर हुआ, आप क्या सोचते हैं इस पर? मैं ये सोचता हूँ कि भारत के इतिहास में 100 अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। पहली बार अराजकता का माहौल बनाने वालों को सख्त संदेश जाना चाहिए कि अगर देश की अस्मिता के साथ और खिलवाड़ करने वालों को अगर सख्ती से सजा नहीं दी जाएगी तो ये समाजवाद और जनतंत्र टूट जाएगा। विपक्षी पार्टियां इसको फर्जी इनकाउंटर बता रही हैं। देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास कोई काम रह नहीं गया है, वो जनतंत्र में अपनी आस्था खो चुके हैं। उनके पास ना कोई जनमानस का अस्तित्व रह गया है, ना उनकी कोई विचारधारा रह गई है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है, सरकारी तंत्र है और संस्कारी तंत्र ने अपना काम किया है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है, हमको ये कहने का अधिकार नहीं है कि गलत हुआ है। ये सरकार के कहने का वो है कि जो हुआ है सही हुआ है, जनता स्वयं सजग है और अच्छा बुरा सब समझती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने ही तो ये सब प्रोडक्ट किया है। समाज में अराजकता का माहौल पैदा करने का इतिहास अखिलेश यादव की समाज, पिताजी तो नहीं, पिताजी ने तो कुछ राजनीतिक वो था, लेकिन अखिलेश इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, परिवेश उनका इंग्लैंडियन था, यहाँ आकर के कुछ समय चकाचौंध हो गए, तो नतीजा हुआ कि बुरे लोगों से घिर गए। अतीक वगैरह उनके यहाँ कमांडिंग अफसर थे, आईजी और डीआईजी के ट्रांसफर कराते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ है बिल्कुल सही हुआ है और ये होना चाहिए। और ऐसे लोगों का, निरीह लोगों का जिनका घर आवास कब्जा कर लिए थे, क्या वो अच्छा काम किए थे? आज क्यों रो रहे हैं? आज अपने बेटे के लिए रो रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। कल किसी की माँ के बेटे भी तो गोली लगी थी। गरीबों के बच्चों को घर से निकाल दिया, कब्जा कर लिया, सरकारी तंत्र को मारे, ये सब गलत काम नहीं हुआ है। जनतंत्र में जीने का अधिकार सबको एक समान है। अच्छा, इतने दिन से इतने सारे मुकदमे थे, फिर भी क्यों सजा नहीं हो पाई, क्या कारण रहा? हाँ, उसका दो कारण है, वो तो एक यहाँ परिभाषा हो चुकी है कि निर्बल व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया जाता है, न्याय व्यवस्था चरमरा गई है, क्रिमिनल क्राइम करते हैं और चश्मदीद गवाही देते हैं, ये देते हैं कि उन्होंने तो मारे ही नहीं।
राजनैतिक संरक्षण उनको प्राप्त, राजनैतिक संरक्षण के कारण, राजनैतिक संरक्षण के कारण मुकदमा आगे बढ़ ही नहीं सकता, गवाह को तोड़ दिया जाता है राजनीति में आने के कारण, इसीलिए अतीक और मुख्तार राजनीति में शामिल हुए। उमेश पाल की हत्या हुई कि राजू पाल हत्याकांड में, इस समाज में अराजकता इतनी बढ़ गई थी कि आदमी सरकार और प्रशासन में अपनी आस्था खो रहा था, और आस्था को पनपने के लिए, आस्था जागृत करने के लिए अच्छा डिफेंस होना चाहिए। जनतंत्र में ये बात तो सही है कि वोट देने का अधिकार है, लेकिन अगर वोट देने का अधिकार है तो हमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हम अपने कर्तव्य के वफादार नहीं हो रहे थे, गलत जगह में हम कर्तव्यों का इस्तेमाल कर रहे थे। भाई मुख्यमंत्री हो गए अखिलेश जी और गवर्निंग बॉडी उनके पास अतीक का पूरा वो था, तंत्र था, जो अतीक कहते तो वही दरो। अभी हमारे इसी उसमें आया है कि 15 सब इंस्पेक्टर और 2 DYSP उसकी सुरागरसी करते थे। दुर्भाग्य हमारा है कि वोट हमारा राजनीति अतीक करे, वोट मेरा लेता था, राजनीति अतीक करता था। इतनी संपदा इनके पास आई कहाँ से? इनके बाबा घोड़ इक्का हाँकते थे, अरबों की संपत्ति, अरबों खरबों की ईडी निकल रही है, इक्का हाँकते हाँकते करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, करोड़ों की नहीं, एक शब्द पर अरबों रुपया आके गिर पड़ता था। ये आतंक नहीं है और क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जात विशेष पर इनकाउंटर नहीं किया जा रहा है, और जो भी किया जा रहा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने कई नाम ऐसे गिनाए हैं जो कह रहे हैं कि आखिर इनका इनकाउंटर क्यों नहीं है, क्यों विशेष जात के विशेष धर्म के लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है? नहीं, किसी जाति और वर्ग के लोगों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है, माफियाओं का, अपराधियों का, गुंडों का इनकाउंटर हो रहा है। तो हुआ था इनकाउंटर, क्या वो दूसरी जात के थे? ये जात वो तो नहीं होती। दरअसल हमारे यहाँ का कानून बहुत लचीला है, जिसका अपराधी इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं कि कानून मजबूर हो जाता है, सरकार मजबूर हो जाती है। इसलिए ऐसे अपराधियों को तोड़ने के लिए ये कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है, और वरना ये हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, सब अपराधी ही राज करेंगे। इसलिए इन लोगों का, बिल्कुल अपराधियों का एनकाउंटर ही करना चाहिए, कोई मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये सब इतने सशक्त होते कि इनके खिलाफ कोई गवाही देने जाएगा ही नहीं, तो क्या न्यायालय पे, कानून पे कौन भरोसा करेगा? जो राजनेता कहते हैं कि न्यायालय भरोसा करना चाहिए, वो तो खुद ही गवाह को सब तोड़ देते हैं, कोई गवाही देने वो नहीं जाता है साधारण केसों में। अब ऐसे ऐसे माफियाओं के खिलाफ कौन गवाही देने जाएगा? कोई नहीं जाएगा गवाही। इसलिए ये एनकाउंटर बहुत आवश्यक है। क्या आप बुलडोजर नीति, इनकाउंटर नीति को सही मानते हैं आप लोग? बिल्कुल 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 सही, बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। सरकार को आगे भी यही अनवरत करते रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? मैं सोच रहा हूँ सरकार माफियाओं का पोषण कौन करता है? इस तरह के माफियाओं का पोषण सपा, बसपा और कांग्रेस ने किया था, तीनों पार्टियों ने किया था। इन्होंने पैदा किया, अब विदेशी आतंकवादियों से फंडिंग करा के इन लोगों को पाला पोता। सारे माफिया सरकार माफिया नहीं है? नहीं है, वो तो संत आदमी है। मैंने बताया कि जब जब हो धर्म के हानि, अब बाढ़ असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुष्य शरीरा, तो संत के रूप में भगवान पैदा हो गए हैं। बसपा सरकार में थे, कांग्रेस सरकार में थे, योगी सरकार में कहाँ है? कोई माफिया नहीं। कोई नाम बता दें अखिलेश यादव, जितने माफियाओं का नाम अखिलेश यादव गिनाते हैं सारे माफिया। देखिए, माफिया जो है पिछली सरकारों में थे, जो अखिलेश यादव आज समर्थन कानून पर भरोसा दिखाने आए हैं, ये पोषक यही हैं। इतने माफिया ये सामने आ रहे हैं, ये सब उन्हीं के पोषित हैं। सरकार जो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि आगे किसका नंबर आने वाला है? आगे नंबर मैं नहीं, कौन लगता है कि कौन यूपी में अपराधी है? देखिए, यूपी में बहुत अपराधी हैं, मुख्तार अंसारी, हर जिले में एक एक अपराधी, दो दो अपराधी हैं। मैं नाम क्यों बताऊं, लेकिन हर जिले में अपराधी पाले हुए हैं। आपके प्रतापगढ़ में भी है। प्रतापगढ़ में तो ही इनके तार जुड़े हैं, नाम इसमें आया है मुख्तार अंसारी से, चार आदमियों के तार प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। प्रतापगढ़ में चार आदमियों का नाम आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, मुख्तार अंसारी के साथ। पूर्ववर्ती सरकार और इस समय की सरकार में जो क्राइम का लेवल था, क्या है आप लोग क्या देखते हैं? बहुत कम है, बहुत कम हो गया, जीरो जीरो जीरो।
इसके पहले उन्हीं अपराधी जीरो टॉलरेंस नहीं अपराधी सपा के हैं, कांग्रेस के, बसपा के सब अपराधी उन्हीं के हैं। योगी सरकार में कोई अपराधी कोई नहीं अपराधी कहाँ है बताइए कहाँ है अपराधी है। एक लिस्ट जारी की किए थे अखिलेश यादव ने, एक लिस्ट जारी किया था जिसमें बताया था आखिर इन अपराधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अखिलेश अपने शासन काल में क्यों नहीं किया कर लिया उन्होंने, आज क्यों बता रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो सिंह टाइटल वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जाँच हो रही है, सब सबकी जाँच हो रही है, जो आएगा जिसका नाम आएगा उसकी जाँच होगी। और पिछली पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में अपराधी अपराध कम हुआ है, अपराध कम हुआ है, अपराध खत्म नहीं हुआ है, अपराध कम हुआ है। कोई अपराध नहीं प्रतापगढ़ जनपद में, कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। सब वो मुख्तार अंसारी के जो ना अपराधी हैं, कहाँ अपराध प्रतापगढ़ में है? मुख्तार अंसारी अतीक नहीं सब सब पाला है वो उत्तर प्रदेश का एक अपराधी था जो एक अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े किया था। अभी एक अधिवक्ता अभी अभी आज की न्यूज में था कि एक अधिवक्ता को इसके गुर्गे फिर उससे वसूली मांग रहे थे 4 करोड़। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए इनका फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अखिलेश गलत बोल रहे हैं, वो तो विपक्षी है, वो तो बोलेंगे ही भाई, वो विपक्षी है, वो तो बोलेंगे ही, बहुत सही हो रहा। उन्होंने कहा भाजपाइयों को न्यायालय पे भरोसा ही नहीं है। अतीक कौन था? कभी कभी सपा सरकार में वही अतीक रहता था, विधायक हुआ करता था, वही सांसद हुआ करता था, वही अशरफ वही सपा सरकार में हुआ रहता था। अच्छा अतीक किस तरह, अतीक के डर से लोग थर थर कांपते थे, आज अतीक थर थर कांप रहा है, तो किस तरह की कहानियां सुनते थे आप लोग उसके बारे में, कैसे भयभीत करता था वो लोगों को? अरे लोग उसके सामने नाम नहीं लेते थे रात को, तो जिसकी जमीन देखता था वो पकड़वा लेता था अपने गुर्गों से, और इसको इतने रुपया ले लो हमको लिखो। अतीक जैसा भय इलाहाबाद में कभी किसी का था ही नहीं, इलाहाबाद नहीं उसके इर्द गिर्द के जनपदों में उसका था वर्चस्व उसका। अब गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि मेरा वर्चस्व खत्म हो गया, मेरा माफी गिरी खत्म हो गया, अब मेरे बेटे और बेटी और मेरे परिवार को बख्श दीजिए योगी जी, इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? अभी तो 1/10 ही नहीं उनके रुपए की पता हो, जो जमीनें थी नहीं लगा पाए, अभी तो बहुत इसके पास धन है यार। वो नाटक कर रहा, नाटक कर रहा है वो, बहुत कलाकार है, तब इतना रुपया साम्राज्य बड़े साम्राज्य का मालिक बन बैठा है, लोगों का पैसा चूस चूस कर गरीबों को परेशान करके ऐसे नहीं बन बैठा है। खेती तो उसने अच्छी की थी, खेती उसने बहुत अच्छी की थी, अपराध की एक खेती की थी, उस अपराध की जो उसने खेती में अपने साथ अपने सामने जो बोया वही अपने सामने सफाया, अपने सामने अपने ही सामने उसने अपराध की खेती की, और उसी के सामने उस अपराध की खेती काटी जा रही है। आप क्या सोचते हैं जिस तरह से असद का इनकाउंटर हुआ है, गुलाम का इनकाउंटर हुआ है, आप क्या सोचते हैं, अधिवक्ता क्या सोच रहे हैं इस पर? अधिवक्ता यही सोच रहे हैं जो भी अत्याचार करेगा उसके साथ यही होगा, यही होगा जो हुआ है और आगे भी यही होता रहेगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है, कहा कि भाजपाइयों को न्यायालय पे भरोसा नहीं है, फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है। ये भाजपाइयों का नहीं है, पूरे देश की जनता के लिए ये किया जा रहा है ताकि दहशत बने और ये जो आतंकवाद पैदा कर रहे हैं और हर जगह जाकर जो है आतंकवादियों की तरीके गोली और ये बारूद ये सब चलाया जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए ये निर्णय लिया गया है, पूरे शासन के साथ लिया गया है। इस तरह से अतीक अहमद दहशत फैलाता था, कुछ कहानी आपने भी सुनी होगी बचपन में, वो फैलाता था जब था, अब नहीं फैलाता है, अब तो जेल में है। गुर्गे फैलाते हैं, गुर्गे फैलाते हैं, विकास दुबे भी तो ब्राह्मण था, उसकी हत्या हुई, गुंडा था, माफिया राज था, तो माफियाओं का गुंडा राज का खात्मा होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। हम मानते हैं, हम लोग मोदी योगी मोदी के साथ हैं। मेरा एक प्रश्न है, अखिलेश यादव जी ये बताएं कि उमेश पाल की क्या गलती थी जो इसकी हत्या उनके गुर्गों ने कर दी, अखिलेश यादव बताएं। मुख्तार अंसारी से पूछे, मुख्तार अंसारी तुमका सांसद था, मुख्तार अंसारी से पूछे बताओ, इसी मुकदमे की पैरवी कर रहा था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। एक अधिवक्ता समाज, एक अधिवक्ता किसी के मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता है, क्यों उसकी हत्या कर दी गई? उमेश पाल की हत्या क्यों कर दी गई? इसलिए कर दी गई कि राजू पाल हत्याकांड में पैरवी करता था, इन लोगों को सजा दिलाना चाहता था, अतीक और गुलाम को, उनके बच्चों को।
और अपराधियों का ना तो कोई नाम होती है ना कोई जाति होती है। इनकी जो इनका जो इनकाउंटर हुआ है वो सही हुआ है। ये इनका एक मात्र उद्देश्य था सिर्फ अतीक को छुड़ाना, सिर्फ मात्र अतीक को छुड़ाना। देख सकते हैं किस तरह से जो अधिवक्तागण हैं हर्ष मना रहे हैं। लोग जिस तरह से अतीक के बेटे असद और गुलाम का इनकाउंटर हो गया है, अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अधिवक्ताओं का साफ कहना है कि ऐसे माफियाओं का सफाया होना चाहिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, प्रतापगढ़।